भैया अपना परिचय दीजिएगा। हमारा नाम भानु यादव है। भानु यादव। जगह? जगह लंका। ये जो है ये क्या चीज़ है? ये दूध मलाईयो, इसका नाम है। ये हमारे यहाँ सर्दियों के समय बनते हैं, 4 महीने। बनाने का तरीका इसका, रात को दूध को खौलाते हैं, खौलाने के बाद पोस में रखा जाता है इसके दूध, और सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ के सारा दूध हटाना होता है। इसके बाद चीनी, इलायची, केसर को मिलाकर फेटा जाता है। फेटने के बाद ये तैयार, बोलने का मतलब ये तैयार मलाई। इसे कितने लोग पसंद करते हैं? बनारस के लोग मान के चलिए 6-8 महीने वेट करते हैं इसके लिए। बनारस के लोग 8 महीने इसका वेट करते हैं कि ठंड आए और मलाई मिले। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इसकी चाह कितनी है। क्या दूर दराज के लोग भी आते हैं, इसको पसंद करते हैं? बाहर से लोग आते हैं, कैंपस है, एचयू बगल में है, लोग भारत के कोने कोने से यहाँ पढ़ने आते हैं। उन लोगों को भी इसके बारे में अब नॉलेज हो गया है, और मैं इसे 8 से 9 साल से बना रहा हूँ यहाँ इस लंका पे, और इस क्षेत्र में लाने वाले हम पहले व्यक्ति हैं। मैंने 8-9 साल पहले इसको लेकर आया था। अच्छा। इस वक्त इसको जानने वाले बहुत कम लोग थे, अपने सिटी के लोग जानते थे। मार्केट में इसका रेट क्या होगा? जो खास इस समय 400 kg के हिसाब से 400 rupees kg है, 400 rupees kilo बिकता है, और कुल्लड़ के हिसाब से छोटा 20 और बड़ा 40 है। इसमें फ्लेवर भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ केसरिया फ्लेवर यानी बटरस्कॉच फ्लेवर। अपना नाम बताना। मेरा नाम श्रद्धा है। अपना नाम बताओ। मेरा नाम श्रद्धा है। कहाँ से है? मैं यहीं से बनारस से। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये मलाई है। ये ज़्यादातर किस मौसम में मिलता है? ठंड के मौसम में मिलता है, और मुझे तो बहुत पसंद है। मैं ठंड के इंतजार करती हूँ, और मैं बचपन से इसको खाती हुई आई हूँ। मेरी नानी के घर बहुत मैंने खाया है, तो ये सर्द के मौसम में ज़्यादातर बनता है। उसके बाद अगर खाने का दिल चाहे तो उसके बाद तो नहीं मिलेगा आपको, फिर वेट करना पड़ेगा। कितने दिन? मतलब आने का वेट करना पड़ेगा, तो हम तक से मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, जैसे ही लगता है कि अब मलियो मार्केट में बनना शुरू हो गया है, तो फिर क्या इच्छा होती है? बस मन करता है और एक दो जितना मिल जाए खाते जाओ। मन नहीं भरता, पेट भर जाए, मन नहीं भरता। क्या नाम है बाबू आपका? मलियो आपने पहली बार खाया है? बिहार से हो आप? अच्छा, कैसा लगा यहाँ का? काफ़ी टेस्टी लगा। क्या आपको पता है कि ये केवल यहाँ पे बनारस में ठंड के मौसम में मिलता है? मुझे आज पता चला इसके बारे में। अच्छा, कुछ बताएंगे कि आप जाकर अपने वहाँ क्या बताएंगे लोगों को इसके बारे में? ये तो ऐसी चीज़ है कि इसको ले भी नहीं जा सकते। सबसे बड़ी बात ये है कि ये मतलब सर्दियों के मौसम में मिलते हैं, ये बड़ी बात है। और नमस्कार, मैं खबर एरिया प्रेस रिपोर्टर इस समय खड़ी हूँ मैं पहलवान लस्सी, जहाँ पर सीजन शुरू होते ही मलियों की भी दुकान सज जाती है, और यहाँ पे लोग दूर दराज से भी इसे खाने के लिए आते हैं। जैसे कि अभी एक व्यक्ति मिली है जो कि बिहार की रहने वाली है, वो अपने किसी रिश्तेदार के घर आई थी और मलियों खाने में इच्छा जाएगी, और उस काफ़ी मज़े के साथ खाया। और इसमें खास बात यह है कि इसको खाने के लिए फिर 8 महीने तक का वेट करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने कस्टमर हैं मलियो खाने के लिए।
नाम क्या है?